हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टेक्निकल स्टडी चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में टाइप ऑफ जनरेटर्स। देखिएगा, जनरेटर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले मेरा एक पार्ट फर्स्ट आया था, डीसी मोटर एंड जनरेटर। अब देखिएगा, ये पार्ट सेकंड है। इसमें हम जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे, जनरेटर के टाइप। ये है मेरा इस वीडियो का पार्ट सेकंड है। इसके पार्ट थर्ड में हम जनरेटर्स के टाइप पढ़ेंगे। पार्ट थर्ड में भी जो इसके बाद जो बच जाएंगे इस वीडियो के बाद। तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। मैं डीसी मोटर जनरेटर के पूरे न्यूमेरिकल भी कराऊंगा इस वीडियो के बाद। तो आइएगा, वीडियो को शुरू करते हैं। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। तो देखिएगा, हम टाइप्स ऑफ जनरेटर्स पढ़ेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले, जनरेटर्स के कितने टाइप होते हैं? टू टाइप्स जनरेटर्स होते हैं। सबसे पहले सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर्स, और एक होता है सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। तो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, डीसी जनरेटर जो होता है, देखिएगा उसकी कंट्रक्शन मैंने यहाँ बना रखी है कुछ इस टाइप से होता है। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, ये फर्स्ट पार्ट है इसका, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर का। तो देखिएगा, सबसे पहले ये आर्मेचर होता है, और इस टाइप से कुछ डीसी जनरेटर की कंट्रक्शन होती है। और ये यहाँ पर ये पीएम जो होता है, ये प्राइम मूवर होता है, और ये आर ए जो होता है ये आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है, और ये आर्मेचर रेजिस्टेंस में फ्लो करंट्स होती है, और ये लोड में जाने वाली धारा आईएल होती है। और देखिएगा, इसमें एक ईएमएफ जनरेटेड होता है। इसमें जब किसी डीसी मशीन को प्राइम मूवर से मैकेनिकल एनर्जी दी जाती है और वो उसे इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देता है, तो उसे डीसी जनरेटर बोलते हैं। तो यहाँ प्राइम मूवर से इसे मैकेनिकल एनर्जी देकर यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंड्यूस्ड की जा रही है, ईएमएफ यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है। और देखिएगा, ये एक्सटर्नल सोर्स है, यहाँ से ये रेस्टोर्ड आरएस जो होता है, ये रेस्टोस, ये यानी कि प्रतिरोध होता है जो कि वेरिएबल होता है। ये फील्ड वाइंडिंग है, ये फील्ड वाइंडिंग जो होती है अलग से होती हैं, इसके द्वारा इसे प्राइम मूवर से इसे मैकेनिकल एनर्जी दी जाती है। तो देखिएगा, इसमें इस टाइप से कुछ इसकी कंट्रक्शन होती है। ये आर एल इधर लोड होता है, यहाँ पर वोल्टेज होती है। इसके हम फार्मूले पढ़ेंगे, देखिएगा। तो सबसे पहले फार्मूले पढ़ते हैं इसके, और सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर के बारे में कुछ पॉइंट हैं जो नोट कर लें आप। देखिएगा, सबसे पहले सेपरेटली एक्साइटिंग जनरेटर जो होता है, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर जो होता है, ये देखिएगा क्या कैसा हो, किस तरह से होता है। इसमें क्या होता है, इस जनरेटर का यूज़ उस स्थान पर किया जाता है जहाँ फील्ड करंट को एक्यूरेसी के साथ कंट्रोल करना होता है। डीसी सेपरेटली डीसी जनरेटर का जो यूज़ होता है वो उस जगह पर होता है जहाँ पर फील्ड करंट को एक्यूरेसी के साथ हमें कंट्रोल करना होता है, और इसका लेबोरेटरी टेस्टिंग पर्पस में इसका यूज़ होता है। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी कि विद्युत लेपन में डीसी सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का यूज़ होता है, और मेटल प्यूरिफिकेशन में भी डीसी जनरेटर सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर का यूज़ होता है। और डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोल का एक मेथड्स होता है, वार्ड लियोनार्ड मेथड, इसमें भी सेपरेटली एक्साइटिंग डीसी जनरेटर यूज़ होता है। तो आइएगा, इसके सेकंड पार्ट पढ़ते हैं हम इसके बाद, सेल्फ एक्साइटिंग डीसी जनरेटर। सेल्फ एक्साइटिंग डीसी जनरेटर जो होता है, ऐसे जनरेटर जिनमें फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर करंट द्वारा ही एक्साइटेड किया जाता है। इसमें एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक्सटर्नल जो सोर्स होता है उसकी ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती। इसे किसके द्वारा एक्साइटेड किया जाता है, आर्मेचर करंट के द्वारा ही उत्तेजित किया जाता है इसे। इसमें एक्सटर्नल सोर्स जो होता है उसकी एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखिएगा, ये तीन प्रकार के होते हैं सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर, जो तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है डीसी सीरीज जनरेटर, और एक होता है संट डीसी जनरेटर, और एक होता है कंपाउंड डीसी जनरेटर। और देखिएगा, कंपाउंड डीसी जनरेटर भी टू टाइप्स के होते हैं। हम इसके इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें देखिएगा, डीसी कंपाउंड जनरेटर टू टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले होता है एक लॉन्ग संट, इसमें लॉन्ग संट होता है लंबा, और एक शॉर्ट संट होता है, इसमें स्मॉल संट होता है। और लॉन्ग संट और शॉर्ट संट भी दो टाइप के होते हैं, एक कम्युलेटिव और एक डिफरेंशियल। तो देखिएगा, शॉर्ट संट भी दो प्रकार के होते हैं, डिफरेंशियल और एक क्यूमुलेटिव। तो देखिएगा, सबसे पहले हम डीसी सीरीज जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे। देखिएगा, डीसी सीरीज जनरेटर में क्या क्या फॉर्मूले होते हैं उसके बारे में न्यूमेरिकल भी पढ़ेंगे हम। देखिएगा, सबसे पहले डीसी सीरीज जनरेटर की कंट्रक्शन क्या होती है, उसके फॉर्मूले क्या होते हैं, आइए पढ़ते हैं। तो डीसी सीरीज जनरेटर जो है,
यह है डीसी सीरीज जनरेटर, डीसी सीरीज जनरेटर। तो इसकी कंडक्शन देखिएगा कुछ इस टाइप से होती है, ये आर्मेचर होता है, इसमें ये आर्मेचर होता है और इसमें ये आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है और ये ईएमएफ होता है और ये लोड करंट होती है, वो आर्मेचर करंट होती है। और देखिएगा ये फील्ड वाइंडिंग होती है, डीसी सीरीज जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग जो होती है वो कम नंबर ऑफ टर्न्स की होती है और मोटे वायर की होती है। इसमें करंट फ्लो होती है, इसमें आईएससी सीरीज करंट होती है और इसका रेजिस्टेंस जो होता है आरएससी होता है, सीरीज रेजिस्टेंस होता है। यहाँ पर ये लोड लगा होता है और यहाँ पर ये वोल्टेज इधर से जब करंट जाती है इधर वोल्टेज होती है इधर। तो ये देखिएगा इसके तीन टाइप के फॉर्मूले पढ़ते हैं हम, एक करंट के फॉर्मूले पढ़ेंगे हम, करंट क्या क्या होती है डीसी सीरीज जनरेटर में, और उसके बाद इसमें करंट के बाद वोल्टेज के फॉर्मूले पढ़ेंगे, इसमें वोल्टेज किस टाइप से होती है, इसमें वोल्टेज के फॉर्मूले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम पावर के फॉर्मूले पढ़ेंगे, पावर के फॉर्मूले पढ़ेंगे। देखिएगा यहाँ पर ये तीनों फॉर्मूले लिख रहे हैं। देखिए सबसे पहले देखिएगा इसमें ये आर्मेचर जो करंट है ये फील्ड सीरीज करंट के सीरीज में है और ये लोड करंट भी इसके सीरीज में है। यानी कि जब भी सीरीज में किसी भी सीरीज सर्किट में जब करंट फ्लो होती है तो वो सेम होती है, क्या उसमें कितने भी रेजिस्टेंस लग रहे हो, करंट क्या होती है सीरीज सर्किट में सेम होती है। यहाँ पर भी करंट सेम होगी, यहाँ पर भी करंट सेम होगी, लेकिन उसका वोल्टेज जो होता है वो घट जाता है। यहाँ पर V1 होता है और यहाँ पर इस तरह से V2 होता है। तो देखिएगा यहाँ पर जब भी किसी भी रेजिस्टेंस से करंट फ्लो होगी तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप होते हैं। तो जैसे कि यहाँ आर्मेचर से जब करंट जाएगी तो यहाँ पर IaRa वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, और इसी तरह से यहाँ पर जब फील्ड वाइंडिंग से करंट होती भी जाएगी, फील्ड वाइंडिंग से करंट होती भी जाएगी तो यहाँ पर भी एक वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे। तो टोटल जो ई जो वोल्टेज है, ये वी वोल्टेज जो है वो कितनी होगी, देखिएगा वोल्टेज के फॉर्मूले में टोटल वोल्टेज जो होगी वी बराबर होगी ई माइनस IaRa है, क्योंकि रास्ते के ड्रॉप हो जाएंगे, IaRa आर्मेचर ड्रॉप हो जाएंगे और फील्ड रेजिस्टेंस के कारण जो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे इतने ड्रॉप रास्ते में हो जाएंगे। तो टोटल यहाँ पर जो वोल्टेज आएगी है डायग्राम में, यहाँ पर जो वोल्टेज आएगी है वी, तो ये वोल्टेज कितनी आएगी, ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ जनरेटर में माइनस आर्मेचर ड्रॉप माइनस आरएससी सीरीज फील्ड वाइंडिंग के द्वारा ड्रॉप, ये होते हैं इसके ड्रॉप। तो आई के फॉर्मूला आते हैं तीनों आई, इसमें करंट जो होता है तीनों करंट आपस में सीरीज में होती हैं तो बराबर होती हैं, और IL करंट जो होती है वी अपॉन RL होती है, यानी कि लोड में जो करंट होती है वी अपॉन RL होती है, और V का मान तो ये होता है E माइनस IaRa इंटू ISC और RSC। और देखिएगा पावर के फॉर्मूले पढ़ेंगे, देखिएगा पावर क्या होगी, जो आर्मेचर में पावर होगी तो आर्मेचर में चूंकि मैंने अभी डायग्राम में दिखाया आर्मेचर में ईएमएफ जनरेट होता है, ईएमएफ जनरेट होता है देखिएगा यहाँ पर ये, तो ये आर्मेचर पावर के लिए वोल्टेज का कार्य करेगा ई इंटू में IA, तो ये हो जाएगा आर्मेचर पावर। और लोड पावर क्या होगी, लोड में क्योंकि वोल्टेज वी बन रहा है यहाँ पर तो पावर हो जाएगी लोड में वी इंटू IL। तो देखिएगा और देखिएगा इसके बाद हम डीसी संट जनरेटर पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले सीरीज जनरेटर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है वो पढ़ लेते हैं। देखिएगा इसका यूज़ जो होता है बूस्टर के रूप में यूज़ होता है, इसका डीसी लाइन में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप को कंपनसेट करने के लिए सीरीज जनरेटर को बूस्टर के रूप में तथा इसको प्राइम मूवर के रूप में डीसी संट मोटर का में यूज़ किया जाता है। और देखिएगा अब हम पढ़ेंगे डीसी संट जनरेटर, दूसरा पार्ट था इसका डीसी संट जनरेटर। तो देखिएगा डीसी संट जनरेटर की कंस्ट्रक्शन कुछ इस टाइप से होती है, ये आर्मेचर होता है यहाँ पर, यहाँ पर आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है, ये ईएमएफ होता है, ये प्राइम मूवर होता है। और देखिएगा डीसी संट जनरेटर में पैरेलल में एक संट प्रतिरोध लगा दिया जाता है, पैरेलल में एक संट प्रतिरोध लगा दिया जाता है। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं इस वायर में नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं अधिक होते हैं, ये पतले वायर होते हैं, और इसका रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है आर एस एच संट रेजिस्टेंस होता है, और इसमें जो फ्लो होने वाली करंट होती है वो ISH होती है। देखिएगा इसके भी करंट के वोल्टेज के और पावर के फॉर्मूले पढ़ेंगे हम, इसमें क्या होगा देखिएगा जब यहाँ से आर्मेचर करंट जाएगी तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि जब भी जंक्शन आएगा तो करंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक करंट इधर चली जाएगी और एक करंट इधर चली जाएगी। इधर लोड में जाने वाली करंट हो जाएगी IL, क्योंकि लोड में जाने वाली करंट हो जाएगी IL, और इधर जाने वाली करंट हो जाएगी ISC, क्योंकि संट में जाने वाली करंट हो जाएगी ISC, संट में जाने वाली करंट हो जाएगी। तो
तो देखिएगा करंट जब दो पार्ट में डिवाइड हो रही है तो जंक्शन पे केसीएल लग जाएगा यहाँ पर, किरचॉफ करंट लॉ यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो देखिएगा करंट के फॉर्मूले क्या क्या आएंगे, क्योंकि आर्मेचर करंट ही दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, तो आर्मेचर करंट जो है टू टू पार्ट में डिवाइड हो रही है, तो इसमें ये क्या होगा, टोटल करंट जो आएगी आर्मेचर करंट जो होगी, टोटल आर्मेचर करंट जो होगी देखिएगा वो किस किस के बराबर होगी, आई एस एच संट संट में जाने वाली करंट प्लस आई एल लोड में जाने वाली करंट के बराबर होगी। और देखिएगा इसके बाद और इसमें क्या होगा, करंट जो होगी ये तो पता चल गया हमें, और एक करंट जो होगी आई एल बराबर लोड में जाने वाली करंट क्या होगी, आई एल बराबर वी अपॉन आर एल। और देखिएगा वोल्टेज क्या होगा, एक करंट इससे भी निकाल सकते हैं हम यहाँ से, संट में जाने वाली करंट क्या होगी, आई एस एच बराबर होगी वी अपॉन आर एस एच, आर एस एच यहाँ पर संट प्रतिरोध है। और देखिएगा वोल्टेज क्या होगी यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिएगा वोल्टेज क्या होगी, कुछ फिर से इसमें ड्रॉप होंगे, तो ड्रॉप जो होंगे जहाँ यहाँ पर हमें वोल्टेज मिल रही है ये लोड पर हमें वोल्टेज मिल रही है, तो यहाँ पर रास्ते में आर्मेचर ड्रॉप हो जाएंगे, तो वी इक्वल क्या आ जाएगा, वी इक्वल ई माइनस, वी इक्वल देखिएगा यहाँ आ जाएगा वी इक्वल ई माइनस आई ए आर है, क्योंकि रास्ते में आर्मेचर ड्रॉप यहाँ पर ये आर्मेचर ड्रॉप हो जाएंगे यहाँ पर, तो ये इतने घट जाएंगे, क्योंकि जब यहाँ से वोल्टेज अप्लाई होगी यहाँ तो ये रास्ते के ड्रॉप घट जाएंगे। और देखिएगा पावर की बात करें तो इसमें पावर भी टू टाइप की होगी, इसमें एक लोड में पावर एक आर्मेचर में पावर, तो लोड में पावर होगी वी इंटू आई एल और आर्मेचर में जो पावर होगी ई इंटू आई ए। देखिएगा दोस्तों इसके बाद हम थर्ड पार्ट पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे लॉन्ग शंट जनरेटर, और लॉन्ग शंट जनरेटर पढ़ेंगे और शॉर्ट शंट जनरेटर पढ़ेंगे। देखिएगा लॉन्ग शंट जनरेटर का मैंने यहाँ पर डायग्राम बना रखा है, और देखिएगा शॉर्ट शंट जनरेटर और लॉन्ग शंट जनरेटर हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, और नेक्स्ट पार्ट में हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। देखिएगा डीसी सीरीज मोटर, वो डीसी सीरीज जनरेटर बेस्ड हम न्यूमेरिकल करेंगे अगले पार्ट में, क्योंकि और इसके बारे में देखिएगा ये फॉर्मूले यूज़ होंगे उसमें जब न्यूमेरिकल करेंगे हम, तो ये तीनों टाइप के फॉर्मूले उसमें यूज़ होंगे, करंट वोल्टेज और पावर के, तो हम अगले पार्ट में इसके हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, और नेक्स्ट पार्ट देखना बिल्कुल ना भूले। देखिएगा टाइप्स ऑफ जनरेटर पढ़ा रहा हूँ मैं, ये टाइप्स ऑफ जनरेटर के अभी मैंने दो टाइप्स बता दिए हैं यहाँ पर, एक होता है सेपरेटली और एक होता है सेल्फ एक्साइटिंग डीसी जनरेटर। तो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर पढ़ चुके हैं हम, और सेल्फ एक्साइटिंग डीसी जनरेटर पढ़ चुके हैं। सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर जो होता है वो थ्री टाइप का होता है, पहला होता है सीरीज डीसी जनरेटर, और एक होता है संट डीसी जनरेटर, और एक होता है कंपाउंड डीसी जनरेटर जो होता है वो टू टाइप का होता है, एक तो लॉन्ग संट होता है लॉन्ग संट, और एक होता है शॉर्ट संट, एक होता है शॉर्ट संट और एक होता है लॉन्ग संट, और ये भी दो दो टाइप के होते हैं, ये अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।